हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट फिक्सिंग में फंसे क्रिकेटर श्रीसंत की। हाल ही में हटा है आजीवन प्रतिबंध। जैसा कि आप जानते ही है, स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को हटा दिया है। दोस्तों, श्रीसंत 2013 में आईपीएल 6 में स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में लिप्त पाए गए थे। 2013 में ही की थी शादी। श्रीसंत ने 12 दिसंबर 2013 को अपनी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वरी कुमारी से शादी की थी। भुवनेश्वरी जयपुर के शेखावत परिवार से ताल्लुक रखती है। पहले दोनों की शादी सितंबर में होने वाली थी, लेकिन इसी माह उन पर आजीवन प्रतिबंध लग गया, जिस कारण शादी टालनी पड़ी थी। खबर सुनकर रोने लगी थी भुवनेश्वरी। दोस्तों, एक इंटरव्यू में भुवनेश्वरी ने बताया था कि एक दिन सुबह 7 बजे मेरे किसी परिचित का फोन आया। उसने कहा मैं न्यूज चैनल देखूं। मैंने सोचा कि शायद हमारी शादी की खबर को लेकर कोई बात होगी, लेकिन टीवी ऑन करने पर श्रीसंत की गिरफ्तारी की खबर देखकर मैं हैरान रह गई। इसके बाद मैं रोने लगी और मैंने श्रीसंत की बहन और माँ को फोन किया। मैंने जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच लिया था, यह कहना है श्रीसंत का। श्रीसंत ने एक बार कहा था कि बैन लगने के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। तभी भुवनेश्वरी के पिता ने मुझे बताया कि वह अब भी मुझसे शादी करना चाहती है। इसके बाद मैंने सोचा मैं उससे शादी किए बिना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। भुवनेश्वरी श्रीसंत से 9 साल छोटी है। दोनों शादी से पहले 6 साल से एक दूसरे को जानते थे। एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, साल 2015 में श्रीसंत एक बेटी के पिता बने। इसके बाद साल 2016 में वो एक बेटे के पिता बने। दोस्तों, यह थी क्रिकेटर श्रीसंत के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आप बने रहे YRY18 के साथ। दोस्तों, हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।